समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के किसान बिल और श्रम कानून के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल और श्रम बिल उनके हितों में नहीं है, जिसका सपाई विरोध करते हैं तथा राज्यपाल से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बिल को लागू न किया जाए। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश यादव और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ विषय किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयकों का विरोध अध्यादेश वापस लिए जाने की मांग। महोदया, केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसान और श्रमिकों के हितों को गहरा आघात लग रहा है, अतः आपसे अनुरोध है कि किसानों और श्रमिकों को के हितों की सुरक्षा के लिए आप किसी विधेयक तथा श्रम कानून को वापस लेने और राज्य में लागू न करने के निर्देश देने का कष्ट करें। हम हैं समाजवादी लोग। आज किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी जो अध्यादेश लाया जा रहा है, उसके विरोध में हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर हम लोग गोरखपुर जनपद में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्रक सौंपने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आपकी सरकार है, इस सरकार ने किसान हर काम किसानों के विरोध में किया है, श्रमिकों के विरोध में किया है। अभी आप जानते हैं किसान गन्ना किसानों का 13,000 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल वादा करती है, आश्वासन देती है, लेकिन आज तक गन्ना किसानों का जो बकाया 13,000 करोड़ रुपया है उसका भुगतान नहीं किया गया। आज श्रमिकों के साथ बार्गेनिंग की जा रही है। पहले इसके पहले जो औद्योगिक संस्थान थे जहां 100 से अधिक मजदूर हुआ करते थे, उनको भी निकालने के लिए अगर किसी को बाहर करना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन नया अध्यादेश में 300 से अधिक अगर औद्योगिक कारखानों से अगर मजदूरों की छटनी करनी होगी तो उसके लिए कहीं सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से केवल जो मजदूर हैं उन्हें गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, और जो इन लोगों का यूनियन था, श्रमिक यूनियन को भी समाप्त करने का काम ये सरकार कर रही है। तो हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इस कानून को उत्तर प्रदेश में लागू न होने दिया जाए और इसे रोकने का काम किया जाए।